मतलब आप कोई चीज अगर एक्सक्लूसिव है तो पर्टिकुलर वो किसी एक पर्सन के पास है या किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप के पास है या पर्टिकुलर किसी एक ही एरिया में अगर वो चीज होती है उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव द सिमिलर आर सोल ओनली या इंडिविजुअल स्पेशल या सिंगल जैसे कि आपको यहाँ पर इस इमेज में दिखाई दे रहा है एक्शन एक्सक्लूसिव शोरूम तो ये जो शोरूम है ये पर्टिकुलर इस एरिया में एक ही शोरूम है एक, एक्शन का मतलब ये कैसा हुआ एक्सक्लूसिव हुआ क्योंकि बाकी कहीं इस तरीके का शोरूम इस पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर सिटी या टाउन में नहीं है सो इसलिए यहां पर लिखा गया एक्सक्लूसिव शोरूम एंड दी अपोजिट्स आर एक्सक्लू इंक्लूसिव मतलब होता है जो सभी के लिए हो जो सभी के पास हो शेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड या डिवाइडेड शोरूम तो शोरूम कैसा है आगे बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्सन का फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थ्रू मतलब हमें बताना है कि जिसके थ्रू हम देख नहीं सकते उसे हम क्या कहेंगे आपके पास फोर ऑप्शन है ब्रिटल ओपेक डकटाइल एंड ट्रांसपर सो देखिए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो सकता है So let's check guys. I hope ka answer आ चुका है फर्स्ट वर्ड इज ब्रिटिल एंड ब्रिटिल मतलब क्या हो सक, होता है easily broken, या जो easily break हो जाते, ऐसी चीजों को हम कहते हैं ब्रिटिल देन द सेकेंड वर्ड इज ओपेक ओपेक मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसके थ्रू हम देख नहीं सकते सो so हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी ही होगा इनकेपेबल ऑफ बींग सीन थ्रू मतलब जिस के थ्रू हम देख नहीं सकते जैसे कि कोई ले ले कोई हार्ड बोर्ड हो या फिर कह सकते जो वॉल होती है घर की जो वॉल दीवार होती है उसके आर पार हम नहीं देख सकते उसे हम ओपेक कहते हैं सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नेक्स्ट वर्ड इज डाइल डल का मतलब होता है कि जिसे हम एक थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते सपोज ऐसा कोई मेटल है जिसे हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं डक्टाइल या ऐसा कोई मेटल जो फ्लेक्सिबल होता है जिसे हम डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं उसे भी हम डक्टाइल कहते हैं So, ये तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा ना कि कि ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर ए ए होगा क्योंकि का मतलब मतलब होता है easily, uh, जो हो है, uh, मतलब है हो, जो जो ब्रेक हो हो जैसे ग्लास 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 के 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 सपोज़ या या मिट्टी किसान कह सकते है। Then, तो हमारा नहीं होगा, so देखते हैं be believed, जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते तो देखिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर लेट्स चेक गाइस थिंग्स विच नॉट बी बिलीव्ड मतलब ऐसी चीजों पर जब भरोसा नहीं जिस पर नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनक्रेडिबल एंड इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है जिस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते सो so यहाँ पर हम कह सकते हैं नॉट बी बिलीव्ड जिसे हम भरो जिस पर भरोसा नहीं कर सकते सो so यहां पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा इनसेटिएबल मतलब होता है जिसे हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते सेटिएबल इट इज रिलेटेड टू सो इनसेटिएबल मतलब दैट विच कैन नॉट बी सैटिस्फाइड सो ये तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा अनोएबल मतलब क्या होगा जिसे हम इजिली अनॉय कर सकते इरिटेट कर सकते सो so ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा एंड वल्नरेबल वलनरेबल मतलब होता है एक्सपोज टू दी पॉसिबिलिटी ऑफ बिंग अटैक्ड और हार्म मतलब uh, अटैक या हार्म होने की ज्यादा जब पॉसिबिलिटी होती है या कोई चीज रिस्क पर होती है या अनसेफ होती है उसे हम कहते हैं वलनरेबल सो ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा सो so, सही आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज इनक्रेडिबल जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते कैन नॉट बी बिलीव्ड उसे हम कहते हैं इनक्रेडिबल लेट्स डिस्कस गाइस वन विच कैन नॉट बी सीन जिसे देखा नहीं जा सकता या जो दिखता नहीं है हमें उसे हम क्या कहेंगे सो so, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड इज ओपेक एंड ओपेक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस दिस वर्ड जिसका मतलब होता है नॉट एबल टू बी सीन थ्रू मतलब जिसके द्वारा हम देख नहीं सकते उसे हम कहते हैं ओपेक देन सेकेंड वर्ड इज अनसीन अनसीन यहाँ पर ये भी हमारा रिक्वायर्ड वर्ड नहीं हो सकता है अनसीन मतलब होता है जिसे देखा नहीं गया हो इसे हम कहेंगे यहाँ पर अनसीन जिसे देखा नहीं गया हो या जिसे हम कह सकते हैं नोटिस नहीं किया गया हो उसे हम कहते हैं अनसीन देन नेक्स्ट वर्ड इज इनविजिबल एंड इनविजिबल का ही मतलब होता है वन विच कैन नॉट बी सीन जिसे हम देख नहीं सकते सो so ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा नेक्स्ट वन इज वलनरेबल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वर्ड ऐसी चीज या ऐसा कुछ जो रिस्क पे है जिसमें काफी रिस्क है या जो अनसेफ होता है उसे हम कहते हैं यहां पर वलनरेबल सो so, जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन

करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन होगा सो द रिक्वायर्ड आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अ बुक दैट कंटेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स तो देखिए इसका क्या हो सकता है सही आंसर

इट इज अफ बुक इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस यहां पर यह भी एलिमिनेट हो जाएगा Next is thesaurus. And thesaurus का मतलब यहाँ पर होता है ऐसी वर्ड्स होते हैं सिमिलर मीनिंग आर अरेन्ज इन अतल की जितने भी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड होते हैं वो एक ग्रुप में अरेन्ज कर दिए गए होते इसे हम कहते हैं थेजोरस तो so, ये भी हमारा सही आंसर रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा एंड लास्ट वन इज एनसाइक्लोपीडिया एंड ऑब्वियसली हमारा रिक्वायर्ड आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक दैट कंटेंस इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग so let's check guys एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग इसे हम क्या कहते हैं तो फर्स्ट वर्ड इज एनेस्ट्रॉफी एन एनेस्ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को हम रिवर्स कर देते हैं जैसे कि सपोज नॉर्मल हमारा जो ऑर्डर होता है पहले सब्जेक्ट देन वर्ब

देन नेक्स्ट इज एपोस्ट्रॉफी अपोस्ट्रॉफी आई होप सभी को पता है जैसे बॉय एंड बॉयज में मुझे लगाना है तो बॉयज या ऐसे जो हम लगाते हैं इसे हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं सो ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा नेक्स्ट इज कैटेस्ट्रोप एंड कैटेस्ट्रोप का मतलब ही होता है कोई सडन डैमेज या सफरिंग सो यस रिक्वायर्ड आंसर वुड बी कैटेस्ट्रोप सडनली कोई फ्लड आ जाता है कोई पैंडमिक आ जाता है कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है उसे हम कहते हैं कैटेस्ट्रोप देन नेक्स्ट वर्ड इज एंटीस्ट्रोप एंड एंटीस्ट्रोप का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर कि अगर हम वर्ड्स को रिपीट करते हैं रिवर्स ऑर्डर में इसे हम कहते हैं एंटीस्ट्रोप सो ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा आई होप यू अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटिमिडेशन बाई थ्रेट सो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है मतलब होता है फोर्सफुल या हम लोग कंपल्सरी या थ्रेट्स के द्वारा किसी को कोई चीज करने के लिए कहते हैं इसे हम कोरिजन कह सकते हैं सो रिक्वायर्ड आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट ऑप्शन इज कोलिजन एंड कोलिजन का मतलब ही होता है क्रैश या एक्सीडेंट सो ये तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा नेक्स्ट वर्ड इज कन्फ्यूज कह सकते हैं ऑफ स्प्रिंग सो यहाँ पर यह भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा सो द रिक्वाड आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए दट इज क्वरिजन जिसका मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ परसुडिंग समू डू समिंग किसी से कुछ करने के लिए, के लिए कहना, फोर्सफुली इसे हम कह सकते हैं फोर्सफुली और बाय कैसे थ्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन अ डिसीज विच अटैक्ट मेनी पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया इन वन टाइम सो ऑब्वियसली इसका आंसर सभी को पता होगा बिकॉज वी आर फेसिंग दन सो लेट्स चेक अ डिसीज विच अटैक मेनी पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया इन वन टाइम एक ही टाइम में पर्टिकुलर कम्प्लीट एरिया को जो डिसीज अटैक कर देती है जैसे कि कोरोना वायरस सो फर्स्ट ऑप्शन इज एकेडमिक ऑब्वियसली ये एलिमिनेट हो जाएगा बट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एडुकेशन सो एडुकेशन से रिलेटेड है देन नेक्स्ट वर्ड इज सैडोनिक सैडोनिक भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है इसका मतलब होता है सैरकेस्टिक या इसे हम कह सकते हैं टोंटिंग जब हम किसी को कोई बात टोंट uh, मतलब किसी को कोई टोंट टोंट uh, करते हैं या सरकेस्टिक तरीके से कहते हैं उसे हम कहते हैं सैडोनिक सरकेस्टिक तरीका मतलब क्या होता है टोंट करते हुए किसी को कोई चीज़ कहना मतलब डायरेक्टली नहीं कहना इनडायरेक्टली टोंटिंग करते हुए कोई चीज़ कहते हैं उसे हम सैडोनिक कहते कहते हैं सो ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाएगा देन नेक्स्ट वर्ड इज एपिडेमिक एंड इज आर रिक्वायर्ड आंसर कि ऐसी डिसीज जो पर्टिकुलर किसी एरिया को अफेक्ट कर देती है उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिकर्टिकुलर किसी स्टेट या कंट्री को भी अगर अफेक्ट करती है उसे भी हम एपिडेमिक कहते हैं। आई कोरोना वायरस इज एन एपिडेमिक। नेक्स्ट वर्ड इज फोनिक एंड फोनिक इज रिलेटेड टू फोन मतलब साउंड से रिलेटेड है एलिमिनेट so हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समथिंग दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड मतलब कि ऐसा कुछ जिसे हम इमिटेट नहीं कर सकते इमिटेट का मतलब क्या होता है जिसे हम कॉपी नहीं कर सकते so, देखिए इसका क्या रिक्वायर्ड आंसर होगा ऐसा कुछ जिसे हम इमिटेट नहीं कर सकते जिसकी हम कॉपी नहीं कर सकते मतलब यूनिक होगी सो फर्स्ट वर्ड इज इनिटेबल एंड ये रिक्वायर्ड आंसर बिकॉज इसका मीनिंग होता है इनकेपेबल ऑफ बींग डुप्लीकेटेड मतलब जिससे हम ना तो डुप्लीकेट कर सकते हैं या जिसे हम ना तो कॉपी कर सकते हैं इनकेपेबल ऑफ बींग डुप्लीकेटेड जिसका हम कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकते या जिसे हम इमिटेट नहीं कर सकते देन द सेकेंड वर्ड इज इन एविटेबल एंड इनएविटेबल मतलब ऐसा कुछ हो सकता है होता है सॉरी जिसे जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते इम्पॉसिबल टू अवॉइड और प्रिवेंट कह सकते जिसे हम रोक नहीं सकते जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं इन एविटेबल कहते हैं ना इनएविटेबल सरकम्स्टांसिस इन माई लाइफ मतलब ऐसा कुछ जिसे मैं अवॉइड या प्रिवेंट नहीं कर सकती थी इस तरीके से द नेक्स्ट वर्ड इज डुप्लिसिटी एंड डुप्लिसिटी का मतलब होता है डिसऑनेस्ट बिहेवियर अगर आप डिसऑनेस्टली किसी से बिहेव करते हैं एंड किस लिए क्यों करेंगे बिकॉज टू ट्रिक समवन और टू डिसीव समवन मतलब किसी से चीट करना है इसीलिए सो so, इसे हम कहते हैं डुप्लीसिटी द नेक्स्ट वर्ड इज इन एक्सप्ली केबल एंड इन एक्सप्लीकेबल जिसका मीनिंग होता है uh, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते मतलब क्या कह सकते हैं यहां पर इम पॉसिबल टू एक्सप्लेन सो समथिंग दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड वॉज इन एनिमी टेबल Next question, study of birds.

इन द सेकेंड वर्ड एंथ्रोप एंड एंथ्रोप इज ऑल्सो अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है ह्यूमन इंसान सो एंथ्रोप मतलब ह्यूमन एंड लॉजी मतलब स्टडी तो so, क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टडी ऑफ ह्यूमन कस्टम्स एंड बिलीफ्स या ह्यूमन के बारे में या ह्यूमन बींग के बारे में जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी देन नेक्स्ट वर्ड इज जूलॉजी एंड जूलॉजी तो सभी को पता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इसे हम कहते हैं जूलॉजी देन नेक्स्ट इज न्यूमिसमैटिक्स एंड न्यूमिसमैटिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ और स्टडी ऑफ कॉइंस या कह सकते हैं स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ कॉइंस एंड मेडल्स ये कह सकते हैं सिर्फ चलो कॉइंस कर लेते हैं यहाँ पर स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ कॉइंस जिसे हम कहते हैं न्यूमिस नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज ऐसी कोई चीज जो अब यूज में नहीं है मतलब अब यूज में नहीं है मतलब वो काफी पुरानी या ओल्ड फैशन हो चुकी है तो so, देखिए क्या रिक्वायर्ड आंसर होगा यहाँ पर so let's check a thing no longer in use first word is redundant and redundant का मतलब yahan पर होता है excess में कोई चीज होती है या excess amount में कोई चीज होती है जिसे हम कहते हैं redundant सो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा देन नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्सोलीट एंड ऑप्सोलीट का मतलब होता है अनफैशनेबल या जिसे हम कह सकते हैं ओल्ड फैशन या जिसे हम कह सकते हैं आउट ऑफ डेट यस दिस वुड बी रिक्वायर्ड आंसर क्योंकि यहाँ पर पूछा है नो लॉन्गर इन यूज मतलब जो ओल्ड फैशन है जो आउट ऑफ डेट हो चुका है उसे हम ऑब्सोलीट कहेंगे आंसर नहीं होगा एंड द लास्ट वर्ड इज ऑब्नोक्शियस विच मीनस अनप्लेजेंट अनप्लेजेंट या जिसे हम कह सकते हैं रूड सो ये होता है सो द रिक्वायर्ड आंसर इज ऑब्सोलीट नेक्स्ट क्वेश्चन

दिखाते एक्सप्रेस करते उसे हम रेवरेंट कहते हैं देन नेक्स्ट वर्ड इज हंबल हंबल तो नहीं होगा एंड देन लास्ट वर्ड इज डिवोट एंड डिवोट का मतलब भी होता है शोइंग uh, uh, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली रिलीजियस फीलिंग्स होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पर इसका भी मतलब हम कह सकते हैं रिलीजियस ही होता है सो so ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा सो द रिक्वायर्ड आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन

स्मॉल पर्सन इसे हम कहेंगे श्रिम्प, and एक श्रिम्प एक तरीके का का कुछ भी 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 होता होता है 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 उसे कहते हैं या को कहा जाता मतलब जो काफी डरपोक होते हैं कावर्ड उसे हम कहते हैं ये तो हमारे आंसर नहीं हो सकते देन नेक्स्ट वर्ड इज रंट एंड रंट का मतलब होता है स्मॉल एंड वीकेस्ट एनिमल जो बहुत छोटा है साइज में भी एंड द वीकेस्ट एनिमल होता है एनिमल के लिए यूज किया जाता है सो so ये भी हमारा आंसर नहीं होगा सो टू लिफ्ट और हॉल समथिंग विद ग्रेट विद ग्रेट एफर्ट इज कॉल्ड ही पर्सन हैज लो स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस सो देखिए यहां पर क्या हो सकता है स so मतलब नहीं रखता है जो क्लीन नहीं रहता है काफी लो स्टैंडर्ड्स होते हैं सो so देखिये एंड काफी लेजी भी होता है सो देखते हैं फर्स्ट वर्ड इज हॉग एंड हॉग मतलब इट इज अग पिग जो होता है उसे हम हॉग कहते हैं या इसका एक दूसरा मीनिंग होता है वो होता है डोमिनेट करना किसी uh, किसी पर्सन को सो so ये तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा

या किसी पर्सन की बहुत सारी प्रॉपर्टी है एंड उसने एक विल बनाया कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है ये मुझे मेरे जो जो भी मेरे सानिया डॉटर है उन्हें मुझे नहीं देना है है ना वो देने से रोकना कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़, कोई चीज इनहेरिट करने से रोकना उसे कहते हैं टू डिस इनहेरिट कि मेरी जो प्रॉपर्टी है मुझे अपने सानिया डॉटर को नहीं देना है सो इस चीज को प्रिवेंट करना अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से रोकना उसे हम कहते हैं डिसरिट सो so ये भी हमारा रिक्वायर आंसर नहीं होगा चेंज करना पीछा करना यह भी नहीं होगा एंड रेलीगेट करना रेलीगेट यहां पर होता है किसी को लो पोजिशन पे असाइन करना या हम कह सकते हैं इससे किसी को डाउनग्रेड कर देना उसके ग्रेड कम कर देना कोई अच्छी पोजिशन में है एंड उसे हम लो पोजिशन असाइन कर रहे हैं डाउनग्रेड कर रहे हैं so सो इसे हम कहते हैं रेलीगेट या टू या इसे नाउन इसका होगा रेलीगेशन तो so, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड आंसर था ये था to oust मतलब कि to expel someone from a position or a place देन नेक्स्ट इज lacking vigor or ineffectiveness जिसमें vigor energy और effectiveness की कमी होती है उसे हम क्या कहेंगे फर्स्ट वर्ड इज लैकिंग विगर या इन इफेक्टिवनेस जिसमें विगर एनर्जी की कमी होती है या इफेक्टिवनेस की उसे हम क्या कहेंगे सो फर्स्ट वर्ड इज फ्लैसिड एंड फ्लैसिड का यहाँ पर मतलब होता है जो काफी लूज होता है या सैगी होता है उसे हम यहाँ पर कहते हैं फ्लैसिड सो ये तो रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा नेक्स्ट वर्ड इज प्लेसिड एंड प्लेसिड मतलब होता है काम या बहुत ज्यादा जो शांत होता है जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रैंक्वल तो शायद ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ये काम है देन नेक्स्ट इज ग्लूटोनस एंड ग्लूटोनस का मतलब होता है जो एक्सेसिव ग्रीडी होते हैं बहुत ज्यादा लालची होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लूटोनस सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा इसे हमने अभी होल्ड किया है इस ऑप्शन को देन नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेगरीस एंड ग्रेगरीस का मीनिंग यहाँ पर होता है जो पर्सन जिन्हें ऐसा पर्सन जो सोशेबल होता है मतलब उन्हें लोगों के साथ अच्छा लगता है दूसरों की कंपनी अच्छी लगती है लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है सो so ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा सो द रिक्वायर्ड आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है प्लेसिड जो काफी शांत ट्रैंक्विल होते हैं उन्हें हम कहेंगे यहाँ पर लैकिंग विगरनेस और इफेक्टिवनेस दैट इज प्लेसिड नेक्स्ट इज अविवास एंड लाइवली एक्सपीरियंस इज सेट टू बी

स्किन एंड yes, स्किंटिलेटिंग का मतलब ही होता है काफी एक्साइटिंग या हम कह सकते हैं एक्साइटिंग एंड लाइवली सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है सेकेंड वर्ड इज सूथिंग एंड सूथिंग का यहां पर मतलब होता है जेंटली कामिंग जो हमें काम कर दे ओके सो यहां पर ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां पर बोला है लाइवली vivacious एक्सपीरियंस जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग देन नेक्स्ट इज सीनिक एंड सीनिक इट इज़ रिलेटेड टू नेचुरल सीनिक जो सीनरी का जो व्यू होता है इसे हम सीनिक कहते हैं सो ये तो आंसर नहीं होगा एंड नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक आई होप इसका मीनिंग सभी को पता होगा सिंथेटिक कलर सिंथेटिक फूड काफ़ी ये जो वर्ड है ये यूज किया जाता है आजकल बिकॉज सिंथेटिक का मतलब होता है कि किसी केमिकल से जो बना हुआ है कि नेचुरल जो प्रोडक्ट होता है इसका मतलब होता है टू इमिटेट नेचुरल प्रोडक्ट एग्जैक्टली इसका ये मीनिंग नहीं है इसका मीनिंग जो होगा आ, ये होगा मेड बाय केमिकल मेड बाय केमिकल टू इमिटेट नेचुरल प्रोडक्ट मतलब सिंथेटिक कलर अगर मैंने कहा या सिंथेटिक फूड मतलब कहा ऐसा फूड या ऐसा कोई कलर या ऐसी कोई चीज जो केमिकल यूज करके बनाई गई हो ताकि नेचुरल जो प्रोडक्ट होता है उसे आ, कॉपी करने के लिए इमिटेट करने के लिए ओके okay? जैसे मैंने कहा सपोज सिंथेटिक मिल्क तो सिंथेटिक मिल्क मतलब क्या होगा नेचुरल मिल्क को कॉपी करने के लिए सेम नेचुरल जैसा नॉर्मल जो हमारा मिल्क होता है काउ मिल्क उसे कॉपी करने के लिए सेम इस तरीके का मिल्क बनाया गया यूजिंग विद सम यूजिंग सम केमिकल्स सो उसे हम कहेंगे सिंथेटिक मिल्क इस तरीके से सो so यहाँ पर जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज सिंटलेटिंग जिसका मतलब होता है एंड लाइवली एक्सपीरियंस याडिक्ट है उसमें कहा गया है कि यस दिस पर्सन इज गिली मतलब ये गुनहगार है लेकिन उस वर्डिक्ट से उसे नॉट गिल्टी मतलब उस वर्डिक्ट से उसे फ्री कर देना मुक्त कर देना उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे फर्स्ट वर्ड इज एक्वेंट एंड एक्वेंट मतलब होता है किसी को किसी चीज से फेमुलराइज करना या हम कह सकते हैं इसे अवेयरनेस या अवेयर विथ किसी चीज से अवेयर करवाना या फेमुलराइज करवाना दिस इज एम सो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा एक्विट यस एंड एक्विट मतलब ही होता है टू सेट फ्री सो so, फ्री कर देना यस दिस वुड बी आर रिक्वायर्ड आंसर द नेक्स्ट इज एक्विजी एंड एक्विजी मतलब होता है अलाउ कर देना या परमिट कर देना किसी को दिस वुड नॉट बी आर आंसर फॉर श्योर द नेक्स्ट वर्ड इज एक्वायर एंड एक्वायर मतलब होता है ऑप्टेन करना ये एफर्ट से हम कोई मेहनत से कोई चीज़ uh, हमें ऑप्टेन होती है उसे हम भी उसे भी हम एक्वाइड कर सकते हैं so सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा मतलब किसी सिचुएशन का अनवेलकम एस्पेक्ट मतलब कोई सिचुएशन जो हम चाहते कि ना हो या किसी चीज सिचुएशन का नेगेटिव पार्ट उसे क्या कहेंगे सो लेट्स चेक फर्स्ट वर्ड इज फ्लिपिंट एंड फ्लिपिट की बात करें तो इसका मतलब होता है नॉट शोइंग सीरियस और रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड नॉट शोइंग सीरियस और रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड सो इसे हम कहते हैं फ्लिपिंट द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिपसाइट सो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा देन नेक्स्ट इज साइड एंड साइड मतलब होता है किसी चीज का अनादर मतलब इसे कह सकते हैं अनादर एस्पेक्ट और वर्जन ऑफ समथिंग ये कोई चीज़ जो लेस इम्पॉर्टेंट हो सो so यस yes, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है फ्लिप साइड मतलब किसी चीज का ऐसा एस्पेक्ट जो इतना ज्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो देन नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिप फ्लॉप एंड फ्लिप फ्लॉप मतलब होता है ये एक तरीके की हमारी सैंडल होती है एक तरीके का फुटवेयर होता है जो प्लास्टिक या रबर से बना गया जाता है एंड काफ़ी लूज होते हैं उसके बेल्ट एंड काफ़ी साइज में लूज होता है इसे हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप सो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ फुटवेयर देन नेक्स्ट इज फ्लिंट लॉक एंड फ्लिंट लॉक मतलब ओल्ड फैशन टाइप ऑफ एक गन होती है जो ओल्ड फैशन होती है काफ़ी पुराने टाइप की इसे हम फ्लिंट लॉक कह सकते हैं सो दिस वुड दिस विल नॉट बी आर रिक्वायर्ड आंसर सो द रिक्वायर्ड आंसर वुड बी फ्लिप साइड एंड फ्लिप साइड मतलब होता है अनादर एस्पेक्ट ऑफ समथिंग इसे हम कह सकते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट या जो नेगेटिव साइड होता है किसी नेगेटिव एस्पेक्ट होता है इसे हम कहते हैं फ्लिप साइड आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी एंड लास्ट क्वेश्चन इज अर्सन एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन विदाउट इन्विटेशन अगर कोई पर्सन एंटर हो जाता है या एंट्री करना इसे हम क्या कहेंगे सो दर्स्ट वर्ड इज वेंडल एंड वेंडल की अगर बात करें इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टीज ऑफ अदर डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टीज ऑफ अदर कि किसी अदर uh, पर्सन की प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रॉय uh, करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स इसे हम यहां पर वेंडल कह सकते हैं so, ये तो हमारा रिक्वायर्ड uh, आंसर नहीं होगा नेक्स्ट वर्ड इज बर्गलर एंड बर्गलर मतलब क्या होता है एंटर बाई फोर्स या थीफ जो होता है चोर उसे हम कहेंगे यहाँ पर बगलर सो so ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा ये भी एलिमिनेट हो जाता है थीफ भी एलिमिनेट हो जाएगा सो रिक्वायर्ड आंसर ऑब्वियसली यहाँ पर इंट्रूडर ही होगा क्योंकि बचा हुआ ऑप्शन यहाँ पर इंट्र्यूडर ही होता है एंड इंट्र्यूडर मतलब जो विदाउट इन्विटेशन एंट्री करता है ये इंट्रूड मतलब भी विदाउट इन्विटेशन एंट्री करना सो द रिक्वायर्ड आंसर इज इंट्रूडर सो थैंक यू वेरी मच गाइज डो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज थैंक यू वेरी मच